मैडम खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, खान साहब का थोड़ा सा बताइएगा मिजाज कैसा था? और आज उनके डॉक्टर की भी मुलाकात हुई। आज डॉक्टर की मुलाकात हुई थी और बस अल्लाह का शुक्र है उनकी तबीयत बेहतर थी, क्योंकि पिछले हफ्ते जब हमने देखा था तो एक असरात थे जो 3 हफ्ते उनको बंद किया गया। यकीन करें हम उन सेल्स में रह के आए हैं और हमें जो, क्योंकि हम समझ सकते हैं और जो लोग इन जगहों पे चक्की में रह कर आते हैं वो समझ सकते हैं कि ये टॉर्चर था। ये आपका ख्याल है सिर्फ जूते या मार या डंडे मार के टॉर्चर नहीं होता, आप किसी को बिजली के बगैर बंद करते हैं किसी भी जगह पे, और कईयों के साथ ये लोग करते हैं। उन्होंने इमरान खान के साथ भी यही किया था, लेकिन और उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी थी। याद रखें उनको गोली लगी है 2 साल पहले, 2 साल और 1 दिन पहले उनको जब गोली लगी थी उनकी टांग में फ्रैक्चर भी था, उनकी नर्व्स भी डैमेज थी, और उन उसके लिए उनको एक्सरसाइज बड़ी सख्त ज़रूरत है। इसलिए वो जिम की बाइसिकल है उनके पास जिसके ऊपर वो करते हैं साइकिल, तो आप 20 दिन उनको नहीं करने दिया था, 1.5 घंटा 10 दिन बिल्कुल बंद थे, सेल खोला ही नहीं, और 10 दिन के लिए 1.5 घंटे के लिए इजाज़त दी। तो कुल 3 हफ्ते में आप हिसाब लगा लें टोटल टाइम जो वो बाहर निकले हैं वो 15 घंटे थे। 3 हफ्तों में 15 घंटे सिर्फ बाहर निकाला है। अब ये ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के अंदर आते हैं। हम इसको आपको सलमान अकरम राजा ने बताया होगा, हम ये सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं और ये इंटरनेशनल भी जा रहे हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे तो हमें कोई, यहाँ पे तो कोई कुछ सुन ही नहीं रहा। अब क्योंकि अभी हमने देखा कि एक तब्दीली आई है और वो काजी फायज ईसा जो सबसे ज़्यादा अल्लाह उसको पूछेगा जो जुल्म पाकिस्तान में वो करके गया, अदलिया का जो निज़ाम का बेड़ा गर्क करके गया, हम उम्मीद रखते हैं कि अभी जो हमारे जज हैं ये ज़रा अदलिया को संभालेंगे ताकि हमें कहीं से इंसाफ मिले। आपको पता है जजेस के साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा था, तो हम सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं कि अगले दिनों में इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो इंतज़ार पंजोता के साथ हुआ है, अब कहो जी एक बंदे कहीं किडनैप हो गया था और पुलिस ने दरामद कर दिया, मजाक बना रहे हैं लोग, कोई बेवकूफ़ हैं, लेकिन क्या करेंगे हम, अब कोर्ट जाएंगे क्या करेंगे, इंतज़ार पंजोता को कहाँ से इंसाफ मिलेगा जब करने वाले ही जिनसे इंसाफ लेना है वही उसके साथ ये कर रहे हैं। तो इमरान खान ने जो आज कहा है वो यही कहा है कि इस वक्त इंसाफ के लिए इनकलाब चाहिए। इनकलाब का मतलब है ये सिस्टम इतना ख़राब ख़त्म हो चुका है, आप लोगों को आप लोग कवर करते हैं, आप जाके कोर्ट के अंदर देखें आए हो बग़ैर किसी प्रेशर के झूठ बोल सकता है, जो पुलिस वाला होता है बग़ैर किसी प्रेशर के, उससे ऊपर से जो कहेगा कि झूठ बोलो 100 झूठ वो अपने ऊपर से के लिए बोलेगा तो 10 क्यों ना अपने बोले। ये तो पूरा निज़ाम आपने झूठ पे लगा दिया है, ये आपका कौन सा दीन है इधर जो इजाज़त देता है और कौन सा दुनिया का निज़ाम इजाज़त दे के सारा दिन झूठ बोलो। तो ये झूठे केसेस, झूठी गवाहियाँ, झूठा सारा कुछ, झूठ पे अब सारों को हमें पता है कि झूठ है, लेकिन मजाक हमने उसको मजाक समझ रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा उसको मजाक समझते हैं। तो इमरान खान ने इसलिए कहा अब तो पूरा इनकलाब का मतलब होता है कि पूरे सिस्टम को, एक गुसीदा सिस्टम को अपने क्या कहते हैं सिस्टम से निकालना पड़ेगा, ये गुसीदा निज़ाम है इसको पूरे सिस्टम से निकालना पड़ेगा और हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा। कल हमारे घरों में भी आएंगे, अब तो ये बच्चों तक पहुँच गए, आपको पता है बच्चों तक पहुँच गए, लोगों से पूछें लंदन में प्रोटेस्ट होती है उनके बहनोई को घरों में उनके घर तोड़ के अंदर घुस गए, प्रोटेस्ट उधर हो रही है, गुस्सा उधर का है, उन्होंने तो किसी ने नहीं उनको, ब्रिटेन वालों ने तो नहीं उनको पकड़ा, क्योंकि वो तो एक जमहूरियत है वहाँ पे तो आज़ादी है बात करने की, हमारी भी आईन इजाज़त देता है कि हम अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन आया हमें इजाज़त है बात करने की? यहाँ पर तो यकीन करें मकबूज़ा कश्मीर में औरतों के साथ और बच्चों के साथ ये नहीं हो रहा। और ये किससे मुझे बताया? एक कश्मीरी ने, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी ने कहा फ़ोन करके कि हमारे ही वहाँ नहीं हो रहा जो यहाँ आपके साथ हो रहा है। आप बताएं इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकती हूँ कि हमारे सब जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान के नीचे है वो उनके लोग अब हमें कह रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान में आना चाहते थे लेकिन आप लोगों के साथ जो हो रहा है हमें डर लगना शुरू हो गया है। अब इस किस्म के फ़ोन कॉल्स आएंगी तो हमें शर्मिंदगी नहीं होगी तो और क्या होगा। बहुत ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।